मैं यहाँ पर बिना तेल में नमक पारे बनाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने मैदे की सांखें, जो सबके घर में डीप फ्राई करके बनाई जाती है, मैं यहाँ पर बिना तेल के बनाऊंगी। आप ये रेसिपी स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए। बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स का आपको ध्यान रखना है, जो कि मैंने इसमें वीडियो में बताए हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए और मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि बिना तेल के भी आप घर पर बहुत ही टेस्टी नमकीन बनाकर खा सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए। सबसे पहले हमने लिया है मैदा। ये नमकीन मैं काफ़ी बार बना चुकी हूँ अवन में, इसलिए मैं आपके सामने ये रेसिपी शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पर ये रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने यहाँ पर एक कटोरी मैदा लिया है और उसमें मैं डालूँगी एक चम्मच अजवाइन और एक चम्मच ही मैं डालूँगी इसमें नमक। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 से 3 चम्मच छोटे वाले रिफाइंड के, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जिसमें स्मेल ना हो। अब आपको देखना है कि जब आप आटा हाथ में लेंगे तो ये इस तरह से बनना चाहिए। इतना आपको ऑयल डालना है, उससे ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक डो तैयार करेंगे, जिस तरह से हम रोटी चपाती का डो तैयार करते हैं, उस तरह से आपको डो तैयार कर लेना है। दूसरी तरफ हम अवन में बेक करने के लिए यहाँ पर ट्रे के ऊपर बटर पेपर लगाएंगे और थोड़ा सा ऑयल लगाकर इस बटर पेपर को ग्रीस कर देंगे। बटर पेपर अब लगाने के बाद ट्रे को साइड में रखेंगे और हम अपना ले लेते हैं जो हमने आटे का डो तैयार करके रखा था। इसको हम बेलना शुरू करेंगे, जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं, एक बड़ी रोटी के आकार का इसको बना लेंगे। जितनी मोटी हमारी रोटी होती है, सिर्फ उतना ही मोटा इसको रखना है, क्योंकि हम इसको अवन में बनाने वाले हैं और अवन में अगर आप ज़्यादा मोटा रखेंगे तो टेम्परेचर आपको लो करना पड़ेगा, जिससे कि वो अंदर से अच्छे से पक जाए, थोड़े से क्रंची हो जाए। जितना पतला आप रखेंगे उतना जल्दी आपकी नमकीन अवन में बन जाएगी। तो हमें उतना ही मोटा रखना है जितनी मोटी रोटी होती है। अब हम इसको इस तरह से कट कर लेते हैं स्क्वायर शेप में। कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन हम जिस तरह की सांखें हम बनाते हैं घरों में, नमक पारे जिनको बोलते हैं, उसी तरह से हम कट करेंगे। सारे नमक पारे हमने कट कर लिए हैं, एक शेप दे दी है। अब अवन वाली ट्रे में हमें इनको इस तरह से लगाना है। एक साइड वाले हम एक बार में बनाएंगे और दूसरी साइड वाले हम दूसरी बार में बनाएंगे। तो अब हम ओवन में रख देते हैं इसको और आप देख सकते हैं टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस किया है हमने और बोथ साइड हमने रखा है। और यहाँ पर हम दूसरी शेप बना रहे हैं, ये काजू की शेप है, बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से आप गोल गोल करके भी शेप बना सकते हैं। सारी शेप हमने बना ली हैं, इनको अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं। 20 मिनट बाद हम चेक करेंगे, हमारे नमक पारे पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। इनका कलर आप देख सकते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही कलर आया है जैसा कि हम डीप फ्राई करते हैं। पूरी तरह से अच्छे से अंदर तक पक चुका है, इसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। जिस तरह से हम डीप फ्राई करते हैं सेम ऐसा ही कलर आता है डीप फ्राई करने में, और रोस्टेड में भी सेम वैसा ही कलर आया है। रोस्टेड सांखें बहुत ही क्रंची बनती हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से ये आवाज़ कर रही है, उससे पता चल रहा है कि बहुत ही क्रंची बनी है। स्वाद भी इनका बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे डीप फ्राइंग सांखों का आता है। इस तरह से आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब हम दूसरा लॉट रखते हैं, जैसे हमने पहले लगाया था उसी तरह से हम दूसरा लॉट भी लगाएंगे। तो दो बार में हमारी ये सांखें बनकर तैयार हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं, मैं इनको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, बहुत ही क्रंची और बहुत ही स्वादिष्ट ये सांखें बनी हैं। जो लोग नमकीन खाना बहुत पसंद करते हैं लेकिन ऑयल की वजह से वो नमकीन नहीं खा पाते हैं, तो वो इन सांखों को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी बनती है बिना ऑयल के। धन्यवाद।